गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है और कैसे करता है। तो बच्चों, अभी हमने जो इसके पहले जो फंक्शन पढ़े हैं वो x टू दी पावर n, मतलब x के ऊपर कोई एक न्यूमेरिकल पावर, उस केस में अगर हम इसका डिफरेंशियल करते हैं तो dy / dx equal to n x टू दी पावर n minus 1, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपके पास फंक्शन हो x टू दी पावर x, फंक्शन की पावर फंक्शन, तो अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है तो अब हम इसको ऐसा नहीं कर सकते कि x x टू दी पावर x माइनस 1, नो। उस केस में हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं और उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और यहाँ पर एक फॉर्मूला लग जाता है, x आगे आ जाएगा x log x और उसके बाद फिर हम इसको डिफरेंशिएट करें। मान लीजिए हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू x टू दी पावर sin x, फंक्शन की पावर फंक्शन, तो उस केस में हम इसको लॉग लेके और फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर तीन लॉगरिथमिक फॉर्मूले लगेंगे जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। नंबर वन फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा log m पावर n इक्वल टू n log m, दूसरा फॉर्मूला है log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n, और तीसरा फॉर्मूला है log m अपॉन n इक्वल टू log m माइनस log n। ये बच्चों तीन फॉर्मूले हमें और log के log याद करने पड़ेंगे क्योंकि वो यहाँ अप्लाई होंगे और इन फॉर्मूलों को यूज करते हुए हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए, अब हमने आपके लिए क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम्स में। खास तौर से नीचे के तीन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन सिंपल है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन, फंक्शन हमें दिया है y इक्वल टू x पावर साइन x, फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो यहाँ पर हम लॉग ले लें, लिख सकते हैं हम टेकिंग लॉग बोथ साइड, अदरवाइज चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में मैं लिख देता हूँ टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग y इक्वल टू लॉग x पावर साइन x, तो लॉग y इक्वल टू साइन एक्स आगे आ जाएगा, तो साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, एंड नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। तो लॉग वाई का डिफरेंशियल हो जाएगा वन अपॉन वाई, और वाई का डिफरेंशियल डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहां पर हम लगा देंगे प्रोडक्ट टूल, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स log x का डिफरेंशियल वन अपॉन x प्लस सेकेंड फंक्शन log x एंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट साइन x का डिफरेंशियल cos x, तो ये हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू साइन x अपॉन x प्लस log x इंटू cos x, ये हो जाएगा, और y की हम वापस वैल्यू रख देंगे तो आंसर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू x पावर साइन x साइन x अपॉन x प्लस log x इंटू cos x, ये हमारा आंसर है। इस तरीके से हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करेंगे। चलिए बच्चों, हमने ले लिया है क्वेश्चन नंबर टू, तो इसका डिफरेंशियल पहले हम log ले रहे हैं यहाँ पर, तो log y इक्वल टू log a पावर x एंड log, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो x आगे आ जाएगा, तो x log a, और अब हम इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, log y का डिफरेंशियल वन अपॉन y, y का डिफरेंशियल डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू log a कॉन्स्टेंट माना जाएगा और x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा log a, तो dy / dx इक्वल टू y का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो
वाई इन टू लॉग ए और वापस हम वाई की वैल्यू रख दें तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स इन टू लॉग ए। और बच्चों ये आपने डायरेक्ट जब फॉर्मूला आपने याद किया होगा कि ए पावर एक्स का डिफरेंशियल तब हमने आपको यही बताया था ए पावर एक्स इन टू लॉग ए। तो ये कैसे आता है फॉर्मूला वो यहाँ पर आपको और समझ में आ गया कि किस तरीके से ये जनरेट होके और होके होता है। चलिए बच्चों हमने ले लिया है क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है ये एक्स पावर वाई इक्वल टू वाई पावर एक्स दोनों तरफ हम लॉग अप्लाई कर दें तो लॉग एक्स पावर वाई इक्वल टू लॉग वाई पावर एक्स। तो यहाँ पर लॉग एम पावर एन का फॉर्मूला लग जाएगा एन लॉग एम तो हो जाएगा वाई इंटू लॉग एक्स इक्वल टू एक्स इंटू लॉग वाई। और अब हम डिफरेंशियल करते हैं दोनों तरफ प्रोडक्ट टू लगेगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इक्वल टू यहां पर भी प्रोडक्ट टू लगेगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड लॉग वाई का वन अपॉन वाई और वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सेकंड फंक्शन वैसा ही लिखा रहेंगे और एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा वन तो इंटू वन। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म हम एक साथ कर लें बाकी टर्म्स एक तरफ कर लें तो ये हो जाएगा लॉग एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लॉग वाई माइनस वाई अपॉन एक्स। यहाँ पर अगर हम डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लें तो अंदर हो जाएगा लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू यहाँ एक्स एलसीएम ले लें तो एक्स लॉग वाई माइनस वाई यहाँ पर भी हम एलसीएम ले लें उसके बाद हम आगे सॉल्व करें तो वाई एलसीएम ले लेते हैं अगर तो हो जाएगा वाई लॉग एक्स माइनस एक्स इक्वल टू एक्स लॉग वाई माइनस वाई अपॉन एक्स। तो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आएगी वाई ऊपर चला जाएगा तो y इंटू x log y माइनस y अपॉन नीचे है x और ये यहाँ आ जाएगा तो y log x माइनस x और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा डिफरेंशियल डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और अब हमने ले लिया है क्वेश्चन नंबर 5 y इक्वल टू लॉग x टू दी पावर फंक्शन की पावर फंक्शन है तो हम यहाँ पर लॉग लेंगे दोनों तरफ तो लॉग y इक्वल टू लॉग x टू दी पावर पहले लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग लॉग x टू दी पावर cos x तो लॉग y इक्वल टू ये cos x आगे आ जाएगा फॉर्मूले से और ये हो जाएगा log log x। और अब हम दोनों तरफ डिफरेंशियल कर दें विथ रेस्पेक्ट टू x तो log y का डिफरेंशियल 1 अपॉन y y का dy अपॉन dx इक्वल टू यहाँ पर हम फिर से प्रोडक्ट रूल लगा देंगे तो फर्स्ट फंक्शन cos x डिफरेंशियल ऑफ सेकंड 1 अपॉन log x log log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन log x और log x का 1 अपॉन x प्लस log log x सेकेंड फंक्शन वैसी रख दिया और फर्स्ट का डिफरेंशियल करें तो cos x का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस sin x। और अब हम इसको देखें तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई में आएगा cos x अपॉन x log x माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा sin x इंटू log log x तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई की हम वापस वैल्यू रख दें तो वाई की वैल्यू है log x पावर cos x यहाँ पर हम x log x चाहें तो एलसीएम ले लें ना चाहें तो ऐसा ही बना रह सकते हैं नो प्रॉब्लम। ये आपको हो जाएगा cos x माइनस x log x इंटू sin x इंटू log log x और ये हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए हम क्वेश्चन ले रहे हैं 6 नंबर का और इसमें फंक्शन दिया है y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x और हमें प्रूव करके लाना है 1 माइनस x स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 0। लिख लेते हैं जो प्रूव करके लाना है 1 माइनस x स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 0, ये हमें लेके आना है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हम इस फंक्शन को अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x पावर 1/2 और हम दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दें तो लॉग 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x पावर 1/2, तो लॉग y इक्वल टू यहाँ लॉग m पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा n लॉग m, तो 1/2 एक बार और अगले स्टेप में हम अपॉन वाला फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे। अब यहाँ लगेगा लॉग m अपॉन n, लॉग m माइनस लॉग n, तो ये हमारे पास होगा लॉग y इक्वल टू 1/2 लॉग 1 माइनस x माइनस लॉग 1 प्लस x। ये फंक्शन सिंप्लीफाई होके आया है, अभी हमने डिफरेंशियल नहीं किया इसका और अब हम डिफरेंशियल कर रहे हैं। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू f बोथ साइड, दोनों तरफ हम डिफरेंशियल कर दें तो log y का डिफरेंशियल होगा 1/y और y का dy अपॉन dx इक्वल टू 1/2 log x का डिफरेंशियल 1/x, तो 1/1 माइनस x और 1 माइनस x का हम दोबारा करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 0-1 मल्टीप्लाई में माइनस log x का 1/1 प्लस x और 1 प्लस x का अगर हम दोबारा करते भी हैं तो 1 आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ना उससे, लेकिन लिख देता हूँ आपको समझने के लिए 1/y dy अपॉन dx इक्वल टू 1/2। यहाँ हम एलसीएम ले लें 1 माइनस x इंटू 1 प्लस x, तो 1 प्लस x के ऊपर मल्टीप्लाई हुआ है माइनस है तो माइनस 1 माइनस x, बीच में माइनस साइन और है, ये यहाँ आएगा तो हो जाएगा माइनस 1 प्लस x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स 1/y चल रहा है साथ में इक्वल टू 1/2 और ऊपर हम देखें तो x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस x स्क्वायर हम यहाँ ले आते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके और y हम ले जाएंगे दूसरी तरफ तो माइनस का साइन है तो हो जाएगा माइनस y और ये हमारा जो आना था वो आ रहा है 1 माइनस x स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, हमें यही प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो चुका है यहाँ पर। जो हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी ये कॉम्पिटिशन में रिजल्ट पूछ लेता है डायरेक्ट, ओटी क्वेश्चन में भी आ सकता है और आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी ये 4 या 5 मार्क में पूछा जाता है। फंक्शन यहाँ दिया है x पावर y इक्वल टू e टू पावर y माइनस x और हमें प्रूफ करके लाना है dy अपॉन dx इक्वल टू, जो लाना है वो मैं लिख लेता हूँ 2 माइनस log x अपॉन 1 माइनस log x होल स्क्वायर। चलिए हमने फंक्शन लिया है, दोनों तरफ हम log अप्लाई कर दें तो log x पावर y इक्वल टू log e पावर y माइनस x, तो यहाँ पर हो जाएगा y log x, फॉर्मूला कौन सा लगेगा बच्चों, log m पावर n इक्वल टू l log m का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ है और यही फॉर्मूला इधर भी अप्लाई होगा, y माइनस x आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा log e, तो y log x इक्वल टू y माइनस x बिकॉज log e बेस e, यहाँ पर बेस कोई नहीं है तो e माना जाएगा और log e की वैल्यू 1 होती है और यहाँ पर हम y इस साइड में ले लें और यहाँ हम बोलें कि x को इधर ले लें और इसको कह दें y माइनस y log x, ये x इक्वल टू y कॉमन लेंगे 1 माइनस log x, तो y यहाँ पर हमारे पास आ रहा है x अपॉन 1 माइनस log x और अब हम इसको डिफरेंशियल कर दें। अभी हमने फंक्शन को सॉल्व किया है, सिंप्लीफाई किया है,
डिफरेंशियल करें, अगर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर डिवाइड रूल लग जाएगा, लिख देते हैं एक बार, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन वन माइनस लॉग एक्स। और अब डिवाइड रूल लगा देते हैं, तो डिनोमिनेटर वन माइनस लॉग एक्स, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर एक्स का डिफरेंशियल वन माइनस न्यूमरेटर वैसे ही रखते हैं, और डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर वन का डिफरेंशियल जीरो होगा, और लॉग एक्स का डिफरेंशियल वन अपॉन एक्स हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर वन माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हुआ हमारे पास डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन माइनस लॉग एक्स, यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस वन अपॉन वन माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। और हमारे जो प्रूफ करके लाना था वो आ रहा है डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टू माइनस लॉग एक्स अपॉन वन माइनस लॉग एक्स होल स्क्वायर, और ये हमें प्रूफ करना था जो कि प्रूफ हो चुका है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है फ्रीक्वेंटली। बच्चों क्वेश्चन नंबर एट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात करें या इस टाइप के क्वेश्चन की बात करें, और यहाँ पर फंक्शन दिया है एक्स पावर लॉग एक्स प्लस टाइम एक्स पावर एक्स, और हमें इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशियल करके डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू लेके आनी है। तो हम थोड़ी देर के लिए इसको सपोज कर लें कि लेट वाई इक्वल टू एक्स पावर लॉग एक्स प्लस टाइम एक्स पावर एक्स। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, तो जनरली एक गलती होती है कि अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उसमें जो फंक्शन दिया होता था उसमें दोनों तरफ हम लॉग अप्लाई करते थे और आगे बढ़ जाते थे। अगर वो गलती हमने यहाँ की तो फिर ये क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि लॉग एम प्लस एन का कोई फॉर्मूला नहीं है, करना ही पड़ेगा। एक्चुअल में ये दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है एक क्वेश्चन ये है, दोनों क्वेश्चन को हमें अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, और अलग अलग सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हमें प्लस करके लिखना पड़ेगा। तो ये गलती आप ना करें, इस बात का ध्यान रखें, ये दो क्वेश्चन मान के हमें करना पड़ेगा अलग अलग। अगर हम इसको सपोज कर लें लेट वाई इक्वल टू यू प्लस जी, इसको यू मान लें इसको वी मान लें, तो देयर फोर डी वाई अपॉन डी एक्स अगर हम करेंगे तो हमें निकालना पड़ेगा डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, वेयर यू इक्वल टू एक्स पावर लॉग एक्स एंड वी इक्वल टू साइन एक्स पावर एक्स। अब हम इन दो क्वेश्चन को सपोज करके अलग अलग और हम इनको सॉल्व करें, तो पहला ले लें आप u इक्वल टू एक्स पावर लॉग एक्स लेके चलें और दोनों तरफ हम लॉग अप्लाई कर दें, लॉग एक्स पावर लॉग एक्स, तो ये लॉग u इक्वल टू हो जाएगा ये लॉग m पावर n, तो m आगे आ जाएगा तो हो जाएगा लॉग x इंटू लॉग एक्स, ये लॉग x आगे आ जाएगा और ये लॉग x यहाँ पर बचेगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा log u इक्वल टू लॉग x होल स्क्वायर। और अब हम डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, log u का डिफ्रेंशियल वन अपॉन u और u का डी यू अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा टू log x और log x का हो जाएगा वन अपॉन x, तो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू होगा यू का साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये टू अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स, और वापस हम यू की वैल्यू रख दें तो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू हमारे पास है एक्स पावर लॉग एक्स इंटू टू अपॉन एक्स लॉग एक्स। ये अगर हम कहें इक्वेशन वन इसको दे दें और इसको दे दें इक्वेशन टू, तो ये हमारा डी
यू अपॉन डी एक्स निकल आया है। और अब हम दूसरा फंक्शन लेके चलें, अगेन वी इक्वल टू साइन एक्स पावर एक्स, और इसको हम फिर से सॉल्व करें तो यहाँ कह दें लॉग वी इक्वल टू लॉग साइन एक्स पावर एक्स, तो यहाँ पर लॉग का फॉर्मूला लग जाएगा लॉग वी लॉग एम पावर एन एल लॉग एम, ये आगे आ जाएगा एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। और अब हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, लॉग वी का वन अपॉन वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर प्रोडक्ट टू लगा दें, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड वन अपॉन साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, और एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा वन, तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू रहे वी का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स को हम लिखते हैं कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। और वापस हम देखिए बच्चों, ये है लॉग एक्स हमने लिख दिया है, जबकि ये है लॉग साइन एक्स, तो ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स, और वी की हम वापस वैल्यू रख दें तो वी है हमारे पास साइन एक्स पावर एक्स एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, ये हमारा आ गया दूसरा रिजल्ट, इसको हम इक्वेशन 3 दे दें। और डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ रख दें इक्वेशन 1 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 डी वाई अपॉन डी एक्स, हम यहाँ पर लिखते हैं इसको सेपरेट कर दें, डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ से रखें ये हो जाएगा एक्स लॉग एक्स एक्स पावर लॉग एक्स एक्स पावर लॉग एक्स इंटू टू अपॉन एक्स लॉग एक्स प्लस, और हम डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख दें ये हो जाएगा साइन एक्स पावर एक्स एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। यहाँ पर ये पावर अगर हम ऊपर ले लें, नीचे है और बेस चेन है, पावर ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर लॉग एक्स माइनस वन इंटू लॉग एक्स प्लस, नहीं भी करते हैं तो कोई गलत नहीं है, आप ऐसा भी आंसर छोड़ सकते हैं कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। हमने ये एक्स की पावर ऊपर ले ली है तो माइनस हो गया है, और अगर आप नहीं लेते हैं ऊपर तो भी कोई गलती नहीं है, आंसर एकदम सही माना जाएगा, और ये हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है। क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और फिर से पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9 हमने लिया है, y इक्वल टू फंक्शन दिया है y इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x, ये मल्टीप्लीकेशन में फंक्शन है तो भी हम लॉग ले लेते हैं, लॉग का फॉर्मूला लगता है लॉग एम एन पी इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी, जितने भी फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं वो लॉग के साथ प्लस में आ जाते हैं, अगर हम लॉग अप्लाई कर दें तो लॉग वाई इक्वल टू लॉग कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस थ्री एक्स, और अब ये सेपरेट हो जाएंगे तो हो जाएगा लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस टू एक्स प्लस लॉग कॉस थ्री एक्स। अब अगर हम इसका डिफरेंशियल कर दें दोनों तरफ तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो लॉग वाई का डिफरेंशियल वन अपॉन वाई और वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो वन अपॉन कॉस एक्स, और cos x का डिफरेंशियल होगा माइनस साइन x, इसी तरीके से log cos 2x का डिफरेंशियल 1 अपॉन cos 2x, cos 2x का हो जाएगा माइनस साइन 2x, और 2x का हो जाएगा 2, और इसी तरीके से log cos 3x का 1 अपॉन cos 3x, cos 3x का माइनस साइन 3x, और 3x का हो जाएगा 3।
तो ये हमारे पास वन अपॉन वाई थ्री वाई अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स तो हो जाएगा टेन एक्स माइनस टू आगे आ जाएगा और साइन टू एक्स अपॉन कॉस टू एक्स हो जाएगा साइन टू एक्स माइनस थ्री ये वाला कॉन्स्टेंट है आगे आ जाएगा और साइन थ्री एक्स अपॉन कॉस थ्री एक्स हो जाएगा टेन थ्री एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस साइन अगर हम कॉमन ले लें तो हो जाएगा टेन एक्स प्लस टू टेन टू एक्स प्लस थ्री टेन थ्री एक्स। और वापस हम वाई की वैल्यू रख दें अगर तो हमें आंसर मिलेगा माइनस वाई हमारे पास था कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस थ्री एक्स और यहाँ पर आया है अंदर ब्रैकेट टेन एक्स प्लस टू टेन टू एक्स प्लस थ्री टेन थ्री एक्स। इस तरीके से ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। और आज बच्चों आप देख पाए होंगे कि लॉगरिथमिक क्वेश्चन लॉगरिथमिक टॉपिक पर फंक्शन पर आपके क्वेश्चन कैसे होंगे और आपका लॉग जब भी अप्लाई करना हो ये टेक्निक बता रहा हूँ मैं आपको जब फंक्शन की पावर फंक्शन लगी हो जनरली 99 एक्सेप्ट दिस केस हम देख पा रहे हैं बाकी सब में फंक्शन की पावर फंक्शन थी तो हमने लॉग अप्लाई करके और फॉर्मूला अप्लाई करके उसको कर लिया था। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है फंक्शन तो मल्टीप्लिकेशन में अगर फंक्शन है तो फॉर्मूला यहाँ पर लॉग एम इंटू एन वाला यूज हो जाता है लॉग एम प्लस लॉग एन यहाँ तीन फंक्शन है तो अगर हम पी कह दें तो हो जाएगा लॉग पी और अगर तीन से ज़्यादा फंक्शन है तो इस तरीके से वो ऐड होते चले जाते हैं। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे और आप और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये क्वेश्चन करना आने लगेंगे। थैंक यू।